गुड मॉर्निंग किरण। आज हम हिंदी भाषा का दूसरा भाग व्याकरण पढ़ेंगे। आपकी व्याकरण की पुस्तक का नाम है विशेष हिंदी व्याकरण तथा रचना। तब इसका हम पहला पाठ पढ़ेंगे। तो पहला पाठ क्या है व्याकरण का, आप लोगों का भाषा लिपि और व्याकरण। भाषा लिपि और व्याकरण, तो आज भाषा के बारे में, लिपि के बारे में और व्याकरण के बारे में थोड़ी थोड़ी हम चर्चा करेंगे। अब जैसे भाषा, भाषा क्या है, नीरज पढ़ रहा था कि माँ ने आवाज़ दी, नीरज बेटा अब पढ़ना बंद करो और थोड़ा नाश्ता कर लो, पढ़ते पढ़ते बहुत देर हो गई है। किताब बंद करते हुए नीरज ने कहा, आया माँ। नीरज उठा और नाश्ते की मेज़ पर पहुंचकर नाश्ता करने लगा। आपने देखा, माँ ने बोलकर नीरज को कुछ कहा, नीरज ने भी बोलकर उत्तर दिया और किताब बंद करके वह नाश्ते की मेज पर पहुंचकर नाश्ता करने लगा। नाश्ता करने लगा। कई बार हम अपने विचार दूसरों को लिखकर समझाते हैं, जैसे नीरज के पिताजी ने नीरज की माँ को एक पत्र देते हुए माँ को कहा, लो। नीरज के पिताजी ने एक पत्र नीरज की माँ को देते हुए कहा, लो तुम्हारे बेटे अरविंद का पत्र आया है, इस बार उसे 2000 रुपये चाहिए, उसे अपनी पुस्तक खरीदनी है। देखा, दूर छात्रावास में रहते हुए अरविंद ने अपनी जरूरतों को समझाते हुए पिता को पत्र भेज दिया और उसमें वह सब लिख दिया जो वह कहना चाहता था। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अपनी भाषा को बोलकर या लिखकर दूसरों को, अपनी भाषा को बोलकर या लिखकर दूसरों को समझाया जा सकता है तथा दूसरों की कही अथवा लिखी गई बात भी समझी जा सकती है। तो इस तरह से नीरज की माँ ने पहले उसको बुलाया और बुलाकर उसको नाश्ता करने के लिए बोला और नीरज ने जवाब दिया, आया माँ। तो ये भाषा थी। तो ये कौन सी भाषा थी, मौखिक भाषा थी। माँ ने मुँह से बोल करके नीरज को बुलाया और नीरज ने जवाब दिया, हाँ आया माँ, और आया आ करके वह नाश्ता करने लगा। तो इसमें कौन सी भाषा का उपयोग किया गया, मौखिक भाषा का। दूसरी जगह पर नीरज के बड़े भाई ने पत्र लिखा नीरज के पिताजी को और पिताजी पत्र में अपनी ज़रूरत की बात बता दी कि उसको 2000 रुपये की ज़रूरत है जिससे कि वह किताबें खरीदेगा और ज़रूरत की चीज़ें खरीदेगा। तो उसके पिताजी समझ गए, नीरज के भाई अरविंद ने बताया अपना लिख करके और उसके पिताजी समझ गए। तो उसमें ये कौन सी भाषा हुई, लिखित भाषा का उपयोग हुआ। इस प्रकार विचारों के आदान प्रदान के साधन को हम क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। यह भाषा हिंदी, अंग्रेजी, पंजाबी, गुजराती आदि कोई भी हो सकती है। भाषा, तो भाषा के कितने रूप होते हैं, भाषा को हम दो प्रकार से, भाषा का उपयोग हम दो प्रकार से कर सकते हैं। कौन कौन सा, एक तो मौखिक रूप जिसको हम बोलकर उपयोग करते हैं, एक लिखित रूप जिसको हम लिखकर उपयोग करते हैं। एक दूसरे के विचारों को समझने के लिए कई बार हम संकेतों का भी उपयोग करते हैं, इशारों का भी उपयोग करते हैं, लेकिन ये भाषा मान्य नहीं है। ये सांकेतिक, इसको सांकेतिक भाषा बोलते हैं, लेकिन यह मान्य नहीं है। कई बार इसका सही अर्थ नहीं निकल पाता है। कई बार हम कुछ इशारा करते हैं और दूसरा समझने वाला कुछ और समझ जाता है, इसलिए इसको भारत सरकार ने मान्यता प्रदान नहीं किया। तो भाषा के केवल दो ही रूप माने जाते हैं, मौखिक रूप और लिखित रूप। अब इस सांकेतिक भाषा को हम बता रहे हैं, पिक्चर के द्वारा समझ सकते हैं। पहले चित्र में एक गूंगा भिखारी एक हाथ अपने पेट पर और दूसरा अपने मुंह पर रखकर इशारे से
इशारे से कह रहा है कि उसे भूख लगी है और वह पेट भरने के लिए कुछ पैसे चाहता है। दूसरे चित्र में बिल्ली को आता देखकर कबूतर आपस में किसी प्रकार की सलाह नहीं करते बल्कि तुरंत उड़ जाते हैं। एक दूसरे की फड़फड़ाहट ही उन्हें भय का संकेत देती है। इस प्रकार संकेतों से समझाई गई बात भी भाषा का ही काम करती है, पर वह भाषा नहीं होती क्योंकि उसमें विचारों का आदान प्रदान कई बार सही रूप से नहीं हो पाता है। कई बार संकेत सही अर्थ नहीं देते, इसलिए ये भाषा का मान्य रूप नहीं है। तो भाषाएं कितने प्रकार की होती हैं? मुख्य रूप से दो ही प्रकार की होती है, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। सांकेतिक भाषा कभी कभी सही निकल जाती है और कभी कभी इसका अर्थ गलत हो जाता है। भाषाएं संसार के सभी देशों में अलग अलग भाषाएं बोली, पढ़ी व लिखी जाती हैं। जैसे चीन में चीनी, रूस में रूसी, इंग्लैंड में अंग्रेज़ी, फ्रांस में फ्रांसीसी, जापान में जापानी और भारत में हिंदी। हाँ, अंग्रेजी भाषा को अंतर्राष्ट्रीय भाषा माना जाता है क्योंकि यह लगभग पूरे विश्व में बोली, पढ़ी व लिखी जाती है, तो अंतर्राष्ट्रीय भाषा कहलाती है। कौन सी भाषा? अंग्रेजी भाषा। भाषा अनेक प्रांतों का देश है। भारत अनेक प्रांतों का देश है। भारत के सभी प्रांतों में अलग अलग भाषाओं का चलन है। जैसे महाराष्ट्र में मराठी, कश्मीर में कश्मीरी, पंजाब में पंजाबी, असम में असमिया, कर्नाटक में कन्नड़, आंध्र प्रदेश में तेलुगु आदि। हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है। भारत की राष्ट्रभाषा कौन सी? क्या है? हिंदी। हिंदी भारत के सम्मान में प्रतिवर्ष हिंदी भाषा के सम्मान में प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी भाषा को 14 सितंबर 1949 को मान्यता प्रदान की गई थी राष्ट्रभाषा की। राष्ट्रभाषा का घोषित किया गया था, इसलिए 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस के रूप में भी मनाते हैं। अब है दूसरा लिपि, दूसरा भाग है इसका लिपि। लिपि क्या होती है? आइए अब हम लिपि को समझें। हम देखते हैं कि पुस्तकों और पत्र पत्रिकाओं में भाषा का लिखित रूप ही प्रयोग किया जाता है, है ना? लिखित रूप द्वारा ही मनुष्य का सारा ज्ञान संचित किया जाता है। लिख के ही तो, बोल के तो थोड़ी देर बोला है, लेकिन लिख करके हम उसको अपने रख लेते हैं। जब मन होता तब लिख, तब पढ़ लेते हैं, जब मन होता तब समझ लेते हैं। तो भाषा को लिखित रूप देने के लिए हम जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? लिपि। लिपि जैसे आ या का या टा लिखेंगे तो ये चिन्ह है भाषा को समझने के, तो इनको क्या कहा जाता है? लिपि। लिपि की विविधता, हर भाषा की अपनी लिपि होती है जिसके द्वारा उस भाषा को बोलने वाले लोग लिखकर अपने भाव एवं विचार प्रकट करते हैं। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। हाँ, कभी कभी कोई लिपि अनेक भाषाओं द्वारा भी प्रयोग में लाई जाती है। जैसे हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है तो संस्कृत भाषा की भी देवनागरी लिपि है, मराठी भाषा की भी देवनागरी लिपि है, नेपाली की भी देवनागरी लिपि है। इसी तरह से अंग्रेजी भाषा की लिपि क्या है? रोमन। फ्रेंच की भी रोमन है और जर्मन की भी रोमन है। उर्दू भाषा की लिपि है फारसी, अरबी की भी फारसी है, कश्मीरी की भी फारसी लिपि है। व्याकरण, अब तीसरी क्या है? व्याकरण। करण ने साहिल से कहा, तुमने खाना खाई? सात्विक ने जोया से कहा, बारिश आ रहा है। क्या ये सेंटेंस सही लग रहे हैं? हैं, ये वाक्य सही नहीं लग रहे हैं। तो ये वाक्य आपको पढ़ने सुनने में अटपटे लग रहे हैं, अलग से लग रहे हैं। यही हम बताना चाहते हैं कि हमारे पास विचार भी हो, विचारों को प्रस्तुत करने के लिए शब्द भी हो और
लेकिन यदि हम अपनी बात सही रूप से ना इन्हीं शब्दों को व्यवस्थित रूप से यदि नहीं जमाएंगे तो ये अर्थ का अनर्थ भी कर सकते हैं। व्याकरण के नियमों का सही प्रयोग करेंगे तो ऐसे लिखेंगे, क्या तुमने खाना खाया, बारिश आ रही है। इनको हमने व्यवस्थित रूप से जमाया तो इसका सही अर्थ निकल रहा है। तो इस तरह से व्याकरण क्या है, व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा को शुद्ध बोलना लिखना और पढ़ना सिखाता है। भाषा का प्रयोग, किसी भी भाषा का प्रयोग हम वर्णों शब्दों और वाक्यों द्वारा करते हैं। छोटे छोटे वर्ण बोलते हैं, पहले का खा चा टा ता पा, या फिर शब्द अनार कलम जगत, इस तरह शब्द बनाकर करते हैं, या फिर वाक्य के द्वारा करते हैं, जैसे राम बाजार जा रहा है, तो इस तरह से वाक्य द्वारा। तो हम किसी भाषा का प्रयोग हम वर्णों के द्वारा, शब्दों के द्वारा और वाक्यों के द्वारा करते हैं। उदाहरण के लिए बंदरों को देखकर हम कहते हैं, देखो बंदर, देखो देखो बंदर आ गए हैं, तुरंत भीतर चले जाओ और दरवाज़ा बंद कर लो। यह वाक्य बोलने के लिए हमें शब्दों व शब्दों के लिए वर्णों की आवश्यकता होती है। शब्द बोले तो शब्द बनाने के लिए हम शब्द किससे बनते हैं, वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। आप भाषा के अंग देखें, भाषा के कितने अंग होते हैं, भाषा के तीन अंग होते हैं, एक तो वर्ण, एक शब्द और एक वाक्य। नंबर एक वर्ण, नंबर दो शब्द और नंबर तीन वाक्य। और व्याकरण के लिए, व्याकरण के भी तीन अंग होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। इस तरह से भाषा के तीन अंग माने गए हैं, वर्ण शब्द और वाक्य। और व्याकरण के भी तीन अंग माने गए हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। ठीक है, तो हमने क्या सीखा, अब हम देखते हैं क्या समझ में आया। हमने पूरा पाठ पढ़ा तो विचारों के आदान प्रदान का माध्यम भाषा है। और भाषा के कितने भेद होते हैं, दो भेद होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। भाषा को लिखित रूप देने के लिए लिपि का निर्माण हुआ। लिपि सांकेतिक चिन्हों का जो देने वाले संकेत देने वाले से, उसी से भाषा बनी। मौखिक विचारों या भावों को लिखकर प्रकट करने के लिए करने वाले चिन्ह लिपि कहलाते हैं। हर भाषा की अपनी अलग लिपि होती है। व्याकरण भाषा को शुद्धता प्रदान करता है, व्याकरण से भाषा शुद्ध होती है, व्याकरण के उपयोग से। अब हम एक्सरसाइज करते, देखिए आपने क्या सीखा। भाषा किसे कहते हैं, विचारों के आदान प्रदान के साधन को भाषा कहते हैं। विचारों के आदान प्रदान के साधन को भाषा कहते हैं। लिपि किसे कहते हैं, भाषा को लिखित रूप देने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वे लिपि कहलाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। ठीक है, अब खाली स्थान भरना है। भाषा का मौखिक रूप प्रकट हो तो कौन सी भाषा होती है, मौखिक। और भाषा का लिखित रूप प्रकट हो तो लिखित भाषा कहलाती है। वो भाषा को लिखने का ढंग क्या कहलाता है, लिपि। और व्याकरण भाषा को शुद्धता प्रदान करता है। ठीक है, अब ये होमवर्क है, नीचे दिए गए खानों में से चुनकर राज्यों के नाम बताइए और उनको भाषाओं के सामने दिए गए खाली स्थानों पर लिखिए। जैसे इनको अपने को शब्द ऊपर से नीचे या सीधे सीधे दाएं से बाएं ढूंढ के भरना है। जैसे सबसे पहले ऊपर से नीचे लिखा हुआ आ ब क आम, और ऊपर लिखा द्र तो आंध्र, ऊपर से नीचे पहुंचा, नीचे से ऊपर गया तो आंध्र बना, आंध्र भाषा। दूसरे में बंगाल, बंगाल,
तीसरे में कर्नाटक, कर्नाटक। चौथे में महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। पांचवे में असम, और लास्ट में छठवे में दिल्ली। तो आंध्र भाषा में कौन, आंध्र में कौन सी भाषा बोली जाती है? आंध्र प्रदेश में तेलुगु भाषा, बंगाल में बांग्ला, दिल्ली में हिंदी, महाराष्ट्र में मराठी, आंध्र में तेलुगु, कर्नाटक में कन्नड़, असम में असमिया। इस तरह से ये फिल करना है। अब है ये आप लोगों का होमवर्क है, इतना हमने पाठ पढ़ा तो होमवर्क सब लोग जरूर करके ला करेंगे। सारा पाठ पढ़ा है, सबके आंसर बताए हैं हमने, समझाए हैं। नहीं समझ में आएंगे तो कल हमको फिर बताना, कोई समस्या हो तो फिर हम समझाएंगे। और इनको आप लोगों को ये मौखिक प्रश्नों के उत्तर लिखना है होमवर्क में। भाषा से आप क्या समझते हैं, पहला प्रश्न है, भाषा से आप क्या समझते हैं। भाषा क्या है? विचारों के आदान प्रदान के साधन को हम क्या कहते हैं? भाषा। भाषा के कितने रूप हैं? भाषा के दो रूप हैं। कौन कौन से? मौखिक भाषा और लिखित भाषा। और लिपि किसे कहते हैं? भाषा को लिखित रूप देने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं? लिपि, लिपि कहते हैं। व्याकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्यों पड़ी आवश्यकता? भाषा को शुद्धता प्रदान करने के लिए व्याकरण की आवश्यकता पड़ी। अब हमको सही उत्तर के सामने सही का चिन्ह लगाना है। मौखिक रूप से वाक्यों के सामने, मौखिक रूप के वाक्यों के सामने गोला व लिखित रूप के वाक्यों के सामने चौकोर बनाए, चौकोर बनाए, है ना। नेहा पत्र लिखती है, तो नेहा पत्र लिखती है, कौन सी भाषा का उपयोग हो रहा है इसमें? लिखित भाषा का। तो इसमें हम क्या बनाएंगे? चौकोर बनाएंगे, ठीक है। मेरी माँ ने मुझे कहानी सुनाई, कौन सी भाषा का उपयोग किया गया? मौखिक भाषा का। तो इसमें हम लगाएंगे गोला। सुप्रिया ने नेताजी का भाषण सुना, इसमें भी क्या लगाएंगे हम? गोला, क्योंकि इसमें भी नेताजी ने भाषण बोला है मौखिक रूप से, तब सुप्रिया ने सुना। इस तरह से इसमें हमने कौन सी भाषा का उपयोग किया? मौखिक भाषा। तो पहले में चौकोर, दूसरे में गोल, और तीसरे में भी गोला लगाएंगे। अब नंबर 5 देखेंगे, सही विकल्पों का चयन कर उन पर सही का चिन्ह लगाइए। नंबर 5, विचारों का, जब विचारों का आदान प्रदान बोलकर किया जाए तो वह कहलाता है भाषा का लिखित रूप, मौखिक रूप, सांकेतिक रूप। तो विचारों का आदान प्रदान कैसे किया जा रहा है? बोलकर, बोलकर। बोलने में कौन सी भाषा का उपयोग किया गया? मौखिक भाषा का। अब है भाषा को शुद्धता, भाषा को शुद्ध बोलकर, भाषा को शुद्ध बोलना, समझना व लिखना सिखाता है, कौन सा शास्त्र सिखाता है भाषा को शुद्ध लिखना, बोलना और समझना? व्याकरण। व्याकरण लिपि भाषा का लिखित रूप क्या सिखाता है? व्याकरण। व्याकरण के द्वारा ही हम भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, लिखना और समझना सीखते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों का क्या हुआ पाठ, ये व्याकरण का, हिंदी भाग 2 का पाठ व्याकरण का पूरा हुआ। तो होमवर्क करके सब लोग जरूर लाएंगे, हैं प्रश्नोत्तर, और यदि नहीं बनेगा तो कल हमको जरूर बताना।